नमस्कार दोस्तों, बिहार एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एक घटना आजकल आम हो चुकी है और वो घटना है जो छोटी छोटी कंपनियां हैं, छोटे छोटे गांवों में, छोटे छोटे कस्बों में, छोटे छोटे शहरों में और छोटे छोटे गांवों में जाकर के ये लोग लोन देने का काम करते हैं। और ये बड़ा आसान भी है, क्योंकि पहले के ज़माने में जब किसी को लोन चाहिए होता था तो वो बैंक के कई चक्कर काटता, कई बड़े बड़े लोगों को वो पकड़ता और उसके बाद उससे लोन जो है वो दिलवा पाता। कई पछड़े जो है वो झेलने पड़ते थे लोन लेने के लिए। लेकिन आजकल ये बात आम हो चुकी है और गांव में आपको या छोटे छोटे कस्बों में ये लोन जो है बड़ी आसानी से मिल जाती है। और लोगों को भी एक सुविधा हुई कि जो छोटे छोटे लोन चाहिए, 10,000, 20,000, 5,000, 25,000, 30,000 या फिर 50,000, इस तरह के लोन जो है वो बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। ना कोई ज़्यादा कागजी कार्रवाई करनी पड़ती है और ना ही किसी एजेंट को पकड़ना पड़ता है, बल्कि लोन का जो एजेंट है, लोन देने वाला एजेंट है, बस उसी को आप पकड़िए और अपना आधार कार्ड और जो भी आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं वो दे दीजिए और बड़ी आसानी से आपको लोन जो है प्रोवाइड करवा देते हैं। लेकिन इस लोन का एक फ़ायदा भी है और दूसरा नुकसान भी है। पहले हम फायदे के बारे में बात कर लेते हैं कि फ़ायदा क्या है। फ़ायदा ये है कि आपको जो 10,000, 20,000 अगर आपको चाहिए तो आपको कहीं भी किसी के पास दौड़ने की ज़रूरत नहीं है और आपको बड़ी आसानी से मिल जाता है लोन और छोटे मोटे काम जो वो आप निपटा सकते हैं। और कई बार बड़े बड़े मौके पर भी लोगों को ये लोन जो है बड़ी सुविधा देते हैं, सुविधाजनक होते हैं और बड़ी आसानी से काम जो है वो हो जाता है और बाद में पैसा अपना वो रिटर्न भी कर देते हैं लोन कर्मियों को। लेकिन ये जो लोन देने वाली कंपनी है, बहुत सारी कंपनी है, किसी कंपनी का मैं यहाँ पर नाम नहीं लूँगा, बल्कि ये जो कंपनियां हैं ये भी उन्हीं लोगों को लोन देती है जो छोटे परिवार से बिलोंग करते हैं, यानी कि गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं। और ख़ास करके ये महिलाओं को लोन देते हैं। अब महिलाओं को लोन देने का ये भी कारण है कि महिलाएं जो है वो घर पे होती है और कहीं भी उसको मतलब भाग नहीं सकती है। जब भी वो घर पर जाएगा तो वो मिल जाएगी महिला और उससे लोन का पैसा जो वो मांगेंगे। और महिला जो है वो अपनी बेइज्जती से बचने के लिए वो अपने पति से, शौहर से पैसा मंगवाएगी और उसको देगी, तो बड़ा आसान होता है वसूलना भी। लोन के जो कंपनी है उसको भी बड़ा आसान होता है कि लोन का पैसा रिकवर करना। और इसी में कंपनी के कुछ स्टाफ्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं इस जो छोटे छोटे जो परिवार के लोग लोन लेते हैं और वक्त पर नहीं चुका पाते हैं, उनके साथ कहीं ना कहीं एक गलत संबंध भी बना लेते हैं ये लोग, जो छोटे इनके जो एम्प्लॉय होते हैं जो लोन रिकवरी करने के लिए जाते हैं, तो इनका कहीं ना कहीं ताल्लुक भी हो जाता है जो परिवार नहीं दे पाता है। ऐसे ही एक घटना आपको मैं बता रहा हूँ, हाल ही में घटी है, 28 मार्च की ये घटना है, कुशीनगर उत्तर प्रदेश की पडरौना गांव की ये घटना है, जहाँ पर एक व्यक्ति, एक परिवार जो है वो एक लोन लेता है, 30,000 रुपये का लोन लेता है, उसे घर बनवाना था, घर बनवाता है लोन और लोन लेता है और घर बनवाता है। उसके दो बेटे और एक बेटी थी। पति जो है वो काम करने के लिए प्रदेश निकल जाता है, लोन लेने के बाद घर वर तैयार हो जाता है, वो प्रदेश निकल जाता है, पुणे चला जाता है वो काम करने के लिए, काम कर रहा होता है। करीब 9 महीने उस लोन को बीते थे और उस पति का कहना है कि आधे पैसे हमने वापस कर दिए और बाकी जो बचा हुआ पैसा है वो भी हम धीरे धीरे वापस कर देंगे। अच्छा, ये लोन कंपनी की एक और जो खास बात यह है कि वो ज़्यादा समय आपको नहीं देती है। आप 3 महीना का लीजिए, 6 महीना का लीजिए या फिर साल भर का लीजिए, इसके अंदर का ही आपको टाइम मिलेगा ताकि उसको भी जल्दी पैसा वापस मिल जाए और फिर दूसरे को जो है लोन दे पाए। तो ये काम करने के लिए चला जाता है और इधर घर पे महिला, उसकी पत्नी और दो बच्चे और एक दो लड़के और एक लड़की घर पे रहते हैं। अब ये लोन कंपनी वाले आते हैं पैसा वसूली करने के लिए, तो जैसा कि मैंने बताया कि 15,000 रुपये उसे वापस दे दिए जा चुके थे और बाकी का पैसा का वो इंतज़ाम कर रहा होता है, अपना कमा रहा होता है, जैसे जैसे कमाएगा वैसे वैसे देगा। लेकिन जो लोन कंपनी का जो एजेंट होता है, जो पैसा लेने के लिए आता है, वो इस महिला के साथ गलत व्यवहार भी करता है। अब पैसे नहीं देने पर उसको कई बार धमकियाँ भी मिलती है, हालाँकि हर एम्प्लॉय ऐसा नहीं होता, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं और बहुत सारे इस समय जो है वो कांड इस तरह के चल रहे हैं। अब उस महिला को धमकाने भी लगता है, धमकी भी देने लगता है। ये जो लोन कंपनी का जो एम्प्लॉय होता है वो एक और महिला को हायर करके रखती है, आसपास की जो एक पढ़ी लिखी महिला होती है या फिर
समझदार महिला होती है उसको भी हायर करके रखी हुई रहती है ताकि उस महिला तक पहुंचने में जो है हमें आसानी हो। तो ये जो लोन कर्मी है वो लोन वापस लेने के लिए आता है, रिकवर करने के लिए आता है, तो उसी महिला के पास जाता है और कहता है कि उस महिला को बुलाओ जिसने लोन लिया था, अभी तक पैसे जमा नहीं किए। तो करीब रात के 8 बजे 10 बजे उस महिला को बुलाया जाता था और जो लोन कर्मी है उससे पैसे मांगता था, लेकिन वो महिला कई बार बहाने टाल देती थी। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि वो जो लोन कर्मी है कहता है नहीं, पैसे तो देने ही पड़ेंगे, अगर पैसे नहीं दोगी तो कार्रवाई होगी। और इसमें महिला अपने बचने की जो कोशिश करती रहती है। इसी बीच होता है कि वो जो एक महिला एजेंट रख रखी होती है उस महिला एजेंट को वो बैकडोर से कह देता है कि अगर ये पैसा अभी नहीं देना चाहती कोई बात नहीं, अगले महीने पे कर दे, लेकिन अभी मैं जो कह रहा हूँ वो बोलो उसको करने के लिए। तो डायरेक्ट नहीं बल्कि इनडायरेक्ट उस महिला के द्वारा उस महिला को कहा जाता है और वो महिला जो है उस महिला को कन्वेंस करती है, बताती है उसको कि ठीक है अगले महीने तुम पैसा दे देना, लेकिन वो एजेंट जैसा कह रहा है आप वैसा कर लो। तो ये भी होता है, तो महिलाओं को 10 बजे रात को बुलाया जाता था और उस महिला के साथ गलत काम जो है वो किया जाता था, जिसके बाद कई बार टालता रहा, अब पैसे जमा नहीं कर रही थी क्योंकि महिला भी जो है वो उसके ख्वाहिश जो है वो पूरी कर रही थी, तो पैसे भी वो रिफंड नहीं कर रही थी। इसी ऐसे करते करते एक दिन ऐसा आता है कि 28 मार्च को, ये बीते जो 28 मार्च है, इसी 28 मार्च को उस महिला को और उसके जो 3 बच्चे थे, 2 लड़का 1 लड़की, उसको लेकर के वो भाग जाता है, फ्रंट हो जाता है। पति को जैसे ही पता चलता है पुणे में, वो आता है घर और पुलिस के पास जाता है, अपनी मदद की गुहार लगाता है। लेकिन पुलिस भी उसी तरह कार्रवाई करती है जैसा कि आप जानते ही होंगे पुलिस किस तरह से कार्रवाई करती है, जो छोटे परिवार के या फिर छोटे लोग होते हैं उनके साथ उसी तरह का व्यवहार करती है। बताया जा रहा है कि उससे पैसे मांगते हैं पुलिस और फिर कार्रवाई करेंगे, ये आरोप जो है वो उस व्यक्ति जो है वो व्यक्ति जो है लगा रहा है उसके ऊपर। तो कहीं ना कहीं लोन का एक बड़ा फायदा भी है और बड़ा नुकसान भी है, जैसा कि आपने सुना अभी। अगर आप भी इस तरह के लोन या फिर किसी इस तरह के चक्कर में पड़ते हैं तो आपको नहीं पड़ना चाहिए और आपको इस चीज़ से जो है वो सतर्क रहना चाहिए। अगर ज़रूरत हो तो ही लोन लिया जाए और ज़रूरत नहीं है तो खामखा लोन जो है वो लेना मेरे हिसाब से जो है बेकार है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोग लोन ले लेते हैं, घर पे बैठे हुए रहते हैं, सोचते हैं कि चलो काम करने जाऊंगा तो वापस कर दूंगा, लेकिन कोई और मजबूरी आ जाती है, वो नहीं जा पाता है बाहर प्रदेश और लोन का पैसा यूं ही रह जाता है। और क्योंकि महिला के नाम से लोन मिलता है और पति जो है वो प्रदेश में रहता है, तो कहीं ना कहीं महिलाओं पर वो असर पड़ता है। और मैंने ये खुद देखा है, अपनी आँखों से देखा है कि कई दिन तक जो है वो लोन कर्मी उसके घर पर दौड़ता रहता है, महिलाएं जो है दूसरे के यहाँ छुपी हुई रहती है और घर पे नहीं आती है, दिन दिन भर वो वहाँ पर जो है बैठा हुआ रहता है। तो इस तरह की घटनाएं जो वो हो रही है, ये छोटे छोटे लोन देने वाले कंपनी है, तो कहीं ना कहीं जो छोटे कंपनी है जो लोन बांट रही है उसको भी अपने एम्प्लॉय पर जो है वो ध्यान रखना चाहिए कि क्या कर रहा है, किस तरह का व्यवहार कस्टमर के साथ कर रहा है, इस पर भी ध्यान रखना चाहिए। अब देखिए इस ये जो महिला भागी है 2-3 बच्चों को लेकर, अब ये मिलती है या नहीं मिलती है ये तो खैर आगे पता चलेगा, लेकिन मैं यही कहूँगा कि आप इस तरह के पछड़े में ना पड़ें। अगर आपको ज़्यादा ही ज़रूरत है तो आप बैंक से जाकर के लोन लें या फिर अलग अलग तरह के ऐप भी जो है आजकल निकल चुके हैं और ऐप में भी इस तरह का फ्रॉड होता है कई बार, तो इस तरह से के लोन से जो है बचना चाहिए। और ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा सिर्फ ये इतना नहीं है कि बल्कि किसी को बदनाम करना है, बल्कि जो सही रास्ता है और सही रास्ता जो भी हो उस पर जो है चला जाए और इस तरह के पछड़े में नहीं पड़ा जाए। तो आपके जागरूकता के लिए भी मैंने ये वीडियो बनाया है। बाकी आपको इस वीडियो से रिलेटेड जो भी सवाल है, कमेंट है, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जाते जाते यही कहूँगा कि आप इसी तरह की क्राइम की अगर स्टोरी देखना चाहते हैं तो एक मेरा दूसरा चैनल भी है, तो आप उस चैनल पर भी विजिट कर सकते हैं, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। अगर आपका इंटरेस्ट उसमें हो तो ही उस चैनल को जाकर के सब्सक्राइब करें, देखें और हमें सपोर्ट करें, वरना अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो फिर कहने का कोई फायदा नहीं, आप इसी चैनल पर रहें और बने रहें हमारे साथ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए बिहार एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल।